नमस्कार, इंस्पायरिंग बरकत चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। आज हम आपको सुनाएंगे एक बाल विवाह के ऊपर कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। यही कोई 40-50 साल पहले की बात है, जब बाल विवाह का बहुत ज्यादा प्रचलन था। लालपुर गांव के श्यामा प्रसाद बहुत ही बड़े जमींदार थे। आसपास के इलाकों में वो अच्छे खासे रईस माने जाते थे। उनके दो बेटे थे, राम और श्याम। उनकी पत्नी का नाम सुनैना था और उनके पिता का नाम जमुना प्रसाद था। उनकी माता यशोदा थी और बड़े घर के लड़के लाड प्यार में कहीं बिगड़ ना जाएं। इसलिए श्यामा प्रसाद ने अपने बच्चों को उस स्कूल में भेजते थे जो कि गांव से 2 कोस की दूरी पर था। उस समय भी उनके पास अपनी जीप थी जो बच्चों को छोड़ने स्कूल जाती थी। राम 10 साल का था और श्याम 6 साल का था। उसी गांव से थोड़ी दूर पर हरपुर नाम का गांव था, जिसके बीच में एक नदी पड़ती थी जिसमें नाव चलती थी। उसी गांव में सुखी राम रहते थे। वह एक किसान थे। उनके पास भी अपनी पुश्तैनी 10 बीघा जमीन थी, लेकिन वह कम उपज देती थी। कुछ खेत नदी के किनारे पड़ता था, उसमें फसल होती थी तो वह बाढ़ की वजह से नष्ट हो जाती थी। उनकी 4 बेटियां थी, एक लड़का था। उनकी बड़ी बेटी दुर्गा, दूसरी केतकी और तीसरे नंबर की सुनीति और चौथे नंबर की मानसी थी। वह भी अपनी बेटियों को पढ़ाते थे। दुर्गा और केतकी को साइकिल पर बैठाकर स्कूल ले जाते थे। सुनीति और मानसी घर पर रहती थी। सुखी राम की पत्नी थी गिरिजा देवी, उनके पिता थे मंगत राम और माता थी रोहिणी देवी। दुर्गा 10 साल की थी, केतकी 8 साल की थी, सुनीति 6 साल की और मानसी 4 साल की बच्चियां थी। बड़ी बेटी दुर्गा अब उस समय के अनुसार ब्याह के लायक हो गई थी। सुखीराम आसपास के गांव में अपनी बड़ी बेटी के लिए लड़का देखने जाते, लेकिन वहां जब लड़का देखने जाते तो उनके सामने दहेज की लंबी मांग रख दी जाती थी। दुर्गा की शादी साल भर के अंदर करना जरूरी हो गया था, क्योंकि उस समय बेटी को जांघ पर बिठाकर कन्यादान करना पड़ता था। घर में वे बहुत ही परेशान रहते थे। अब वो हर गांव में सुखीराम लड़का देखते देखते गांव गांव घूमते, लेकिन उनके हिसाब का कोई लड़का नहीं मिल रहा था। वह थक चुके थे और उनकी ही बगल में एक और गांव था, नोलखावा। वहां केसुराम नाम का एक किसान रहता था। उनका बेटा था मनोहर लाल, जो कि 12 साल का था और कक्षा 5वीं में पढ़ता था। अब सुखी राम को उनका बेटा मनोहर लाल पसंद आ गया। अब सुखी राम को उन्होंने मनोहर के लिए रिश्ता मांगा तो मनोहर का पिता केशुराम कहने लगा कि उन्हें दहेज में 1 चौका फूल का बर्तन और 1 चौका पीतल का बर्तन, 1 जोड़ी बैल, 1 गाय, 1 बनिहारिन और 1 पलंग कुर्सी भी देना था। ये दहेज में तय हो गया। जेवर में 10 अशर्फी और कंठार, पाजेब ये सब भी देना था। सुखीराम ने सब कुछ देने की हाँ भर ली, पर इतना पैसा सुखीराम के पास आएगा कहाँ से? ये तो सुखीराम ने सोचा भी नहीं था। सुखीराम को अब गांव के लोगों ने समझाया कि सुखीराम तूने दहेज की हाँ भर ली है, तो एक काम कर, पैसे का इंतजाम के लिए तू अपनी जमीन को जमींदार श्यामा प्रसाद के पास गिरवी रख दे, बेटी का ब्याह कर दे, गिरवी रखकर जो पैसा मिलेगा। ये सोचकर सुखीराम श्यामा प्रसाद के पास गया और बोला, मालिक हमारा खेत गिरवी रख लीजिए और हमें कुछ पैसा दे दीजिए। हमारी बेटी का ब्याह है, हम बेटी का ब्याह कर लेंगे
तो धीरे धीरे आपका कर्जा चुकाकर अपनी जमीन छुटा लेंगे। सुखी राम से श्यामा प्रसाद कहने लगे, देखो सुखी राम, हम खेत गिरवी नहीं लेते। अगर तुम जमीन बेचोगे तो मैं अवश्य खरीद लूंगा। ऐसा करो सुखी राम, मेरे जमीन से लगा हुआ जो तुम्हारा खेत है वो मुझे बेच दो। अब बेचारा किसान सुखीराम मजबूर था। क्या करें क्या ना करें, अब उसकी मजबूरी थी। खेत तो वो बेचना नहीं चाहता था, लेकिन उसकी मजबूरी थी। अगर खेत नहीं बचेगा तो बेटी का विवाह कैसे करेगा। अब मजबूरी में उसने 4,000 रुपए में अपनी 1 बीघा जमीन जमींदार साहब को बेच दी। दुर्गा की शादी में सुखी राम ने मनोहर के पिता केसु राम को 1 जोड़ा बैल, गाय, बर्तन, अशर्फी और जितना भी सामान तय हुआ था सब दहेज में दिया। बारात में पालकी में दूल्हा और सारे बाराती बैलगाड़ी से आए थे। विवाह का इंतजाम अच्छे ढंग से हुआ। जब विवाह हो जाने के बाद दुर्गा की विदाई डोली में बनिहारान के साथ हुई, तो दुर्गा भी अभी बच्ची ही थी, केवल 10 साल की। सुबह से चलते चलते बारात शाम को अपने घर पहुंची। अगले सुबह दुर्गा को उठाकर पूजा के मंडप में बिठाया गया। मनोहर लाल ने अपनी माँ से पूछा, माँ मुझे भूख लगी है, मैं कुछ खा सकता हूँ? तो मनोहर की माँ बोली, बेटा ईश्वर की पूजा तुम दोनों को करनी है, फिर भी तुझे भूख लगी है तो थोड़ा सा फल और मिठाई खा ले। जब मनोहर की माँ मनोहर को खाने की थाल देने लगी तो दुर्गा भी बोल पड़ी, माँ मैं भी खाऊंगी, मुझे भी भूख लगी है, मुझे भी लाकर दे दो। बनिहारिन ने उसे चुप कराकर कहा, बिटिया चुप हो जा, ये तेरा ससुराल है, इस समय तुझे पूजा करना है, उसके बाद जो ये तुझे लाकर देंगे उसे ही खाना है। दुर्गा रोने लगी और बोली, मेरी माँ तो मुझे सुबह ही खाना खिला देती थी, यह मेरा घर नहीं है, मनोहर का घर है, इसलिए मुझे खाना नहीं मिलता। मनोहर की दादी आंगन में बैठी दुर्गा की बातें सुन रही थी। वो बरामदे से आकर दुर्गा को चुप कराई और बोली, मैं भी तुम्हारी दादी हूँ, दुर्गा जो अच्छा लगे मुझे कहना, मैं तुझे लाकर दूंगी, लेकिन बेटा थोड़ी देर चुप हो जा, पूजा खत्म होने के बाद मैं तुझे खाना खिलाऊंगी। पंडित जी ने आकर दोनों विवाहित जोड़े से पूजा करवाई। वह पूजा करते हुए मनोहर माँ की गोद में सो गया और दुर्गा अपनी बनिहारिन की गोदी में सो गई। दोनों बच्चों को ले जाकर बिछावन पर सुला दिया गया। जागने के बाद दुर्गा ने फिर रोना शुरू कर दिया। बोली, यह मेरा घर नहीं है, मैं तो खेलने जाऊंगी। मनोहर की दादी फिर दुर्गा के पास आई और बोली, दुर्गा बेटी तू दूध भात खाएगी? दुर्ग बोली, मुझे भूख लगी है। दादी ने एक कटोरी में दूध भात लाकर दुर्गा को खिला दिया। दुर्गा फिर दादी से बोली, दादी मुझे धोती से क्यों लपेट दिया, मैं गिर पड़ती हूँ, मुझे एक फ्रॉक दे दो। दादी ने एक फ्रॉक लाकर दुर्गा को पहना दी। ये देखकर मनोहर की माँ अपनी सास से बोली, अम्मा जी आप बहू को अभी से उसकी आदत बिगाड़ देगी तो बाद में ये सर चढ़ जाएगी, किसी का लिहाज नहीं करेगी। मनोहर की दादी बोली, बहू जब तू भी आई थी तो बच्ची ही थी, आज तुम घर संभाल रही हो ना, ये भी अभी बच्ची है, बड़ों के जैसे इसे समझ नहीं है, अभी तो ये भी नहीं जानती कि शादी क्या होती है, ससुराल क्या है, पति कौन है और पति किसे कहते हैं। मनोहर की माँ बोली, ठीक है अम्मा, मनोहर की बहू को आप ही देखोगी। ये कहकर मनोहर की माँ वहाँ से चली गई। मनोहर की दादी
अब उसे रोज फिराक पहनकर रिबन से दुर्गा की दो चोटियां बांध देती, जो दुर्गा खाती उसे खिलाती। उसके साथ दादी का समय गोटी खेलने में, कहानी कहने में बीत जाता। ससुराल आने के बाद दुर्गा की पढ़ाई छूट गई थी। मनोहर पढ़ने जाता था। दोनों एक दूसरे से हमेशा झगड़ते ही रहते थे। दादी दोनों की सुलह करती और मनोहर को कहती, मनोहर बेटा, ये तेरी बहू है, बहुरिया है। मनोहर कहता, नहीं नहीं, बापू मेरे साथ इसे पता नहीं कहां से उठाकर ले आए हैं। दादी तभी से मेरे घर में रहती है। मनोहर कहता, मेरी माँ को छीन लिया और बापू को भी, तुम्हें भी दादी इसने छीन लिया। कोई मेरा नहीं है। मनोहर चीड़ जाता। और उधर दुर्गा की बहन केतकी भी अब 9 साल की हो गई थी। सुखीराम के कंधे का भार फिर बढ़ गया। सुखीराम को एक बात का संतोष था कि फिर खेत बचेंगे और केतकी का ब्याह करेंगे। केतकी के लिए भी सुखीराम ने वर देखने शुरू कर दिया। सुखीराम अपनी बेटी केतकी के लिए वर ढूंढते हुए एक दूर के गांव झंझटपुर में जा पहुंचे। वहां पर राधेश्याम का बेटा सोहन उन्हें पसंद आ गया और उससे रिश्ता तय कर दिए। राधेश्याम के 3 बच्चे थे, 2 लड़के और 1 लड़की। बड़ा लड़का 9 साल का था, जिसका नाम सोहन था। दूसरा बेटा 7 साल का था, जिसे रोहन बुलाते थे, और बेटी छोटी थी, जिसे गंगा कहते थे। राधेश्याम की पत्नी पारो थी, जो सीधी नहीं थी। अपने बच्चों को प्यार करती, पर दूसरे के बारे में अच्छा नहीं सोचती थी। राधेश्याम ने सुखीराम की बेटी केतकी से सोहन की शादी इसलिए की कि सुखीराम की खेत उनके आंखों के सामने आ रहे थे। वैसे भी राधेश्याम थोड़ा लालची किस्म का इंसान था। सुखीराम को राधेश्याम को शादी में 5 अशर्फी, 1 गाय, 1 चौका बर्तन, पलंग और साथ में 1 बीघा जमीन भी देनी थी। राधेश्याम अपने संपत्ति में बढ़ोतरी करना चाहते थे। सुखीराम को बेटी की शादी में देर करने का अब कोई सवाल ही नहीं रह गया था। अब उसकी बिटिया 10 साल पार कर जाएगी तो लड़का मिलना मुश्किल था। सब जगह तो लोग इसी उम्र में शादी कर रहे थे। गरीब हो या अमीर, किसान हो या व्यापारी, जिनके बच्चे की उम्र 12 वर्ष से ज्यादा हो जाती थी, उनका विवाह रुक जाता था। एक तरह से बिरादरी उन्हें हीन नजर से देखती थी, जिनकी सामर्थ नहीं होती थी। गांव वाले मिलकर उनकी शादी करते थे। सुखीराम ने केतकी की शादी में 1 बीघा जमीन केतकी के ससुर राधेश्याम को दे दी। 1 बीघा जमीन विवाह के लिए श्यामा प्रसाद के यहाँ बेच दी। श्यामा प्रसाद को कोई जानकारी दिया कि सुखीराम ने दूसरी बेटी के ससुर को 1 बीघा जमीन दी है। अपने करीबी गांव की जमीन बाहर जाना उन्हें अच्छा नहीं लगा। उन्होंने अपने तहसीलदार को भेजकर राधेश्याम को बुलवाया। श्यामा प्रसाद ने कहा कि राधेश्याम जी, आप हमारे इलाके के समधी हुए, आप जमीन तो ले जा सकते नहीं, यहाँ रहकर खेती भी कर नहीं सकते, इसलिए आप जमीन मुझे दे दीजिए और पैसे ले लीजिए जो आपके बटुए में आ जाएंगे और आप आराम से उसे लेकर चले जाएंगे। राधेश्याम ने श्यामा प्रसाद की बात मान ली। इस तरह से सुखीराम की 2 बीघा जमीन श्यामा प्रसाद की हो गई। 1 बीघा जमीन वह पहले भी दे चुका था। देखते ही देखते केतकी की शादी का दिन भी आ गया। दुर्गा को भी केतकी की शादी में विदाई कराकर घर ले आए थे। घर आने के बाद दुर्गा की दादी रोहिणी और माँ ने पूछा, बिटिया तेरे ससुराल के लोग कैसे हैं? तो दुर्गा ने कहा, माँ, दादी ठीक है, वह मुझे प्यार करती है। मनोहर की माँ मुझे डांटती है
और सबके बाद मुझे खाना देती है। मैं रोती हूँ तो दादी मुझे खाना खिलाती है। दुर्गा की दादी ने सुखीराम से कहा कि सुखीराम शादी के तुरंत बाद दुर्गा की विदाई नहीं करना, 2 साल के लिए अपने पास रखना, जब बड़ी हो जाएगी तो भेज देंगे। सुखीराम बोला, ठीक है अम्मा, मैं केशुराम से कह दूंगा। दुर्गा बोली, माँ तुम केतकी को भी दूसरे घर भेज रही हो। माँ बोली, बेटी दुर्गा, हम उसका ब्याह कर रहे हैं। बेटी दुर्गा बोली, माँ केतकी तो मुझसे भी छोटी है, उसके घर में भी दादी नहीं हुई तो उसको खाना कौन देगा। तब केतकी बोली, दीदी तुम मत सोचो, मैं अपना खाना खुद लेकर खा लूंगी। केतकी के शादी के दिन भी आ गए। राधेश्याम बारात लेकर शादी करने पहुंच गए। केतकी की शादी में सुखीराम ने खानपान बहुत ही सुंदर दिया था, बहुत ही स्वादिष्ट था, अच्छे तरीके से डेकोरेशन की थी, सामान देने के लिए जो तय किए थे वे सब दिए थे। केतकी को डोली में बिठाकर बनिहारिन के साथ विदा किया था। केतकी जब ससुराल पहुंची, तो सास ने उसका गृह प्रवेश के साथ बहू का स्वागत किया। पूजा के मंडप में जब केतकी को बिठाया गया तो केतकी ने प्रसाद लेकर खा ली, तो केतकी की सास पारो बोल पड़ी कि सुखीराम ने अपनी बेटी को कुछ नहीं सिखाया, ससुराल में कैसे रहना है। तब बनिहारान बोली, मालकिन यह अभी बच्ची है, मालकिन 2 साल बाद आप भी अपनी बिटिया का ब्याह करोगी। मालकिन, आप अपनी बेटी को सिखा पाएंगे कि ससुराल में कैसे रहा जाता है। बनिहार की बात सुनकर सोहन की माँ चुप हो गई। केतकी की ननंद गंगा केतकी की दोस्त बन गई। केतकी को जब भी भूख लगती तो वो गंगा से कहती। गंगा अपनी थाली में अपनी दोस्त केतकी का भी खाना रख लेती। कोने वाले घर में जाकर दोनों साथ में खाना खाते। सोहन को भी मतलब नहीं था, इतना वो अवश्य जानता था कि बापू के साथ एक लड़की को वह लाया है। केतकी सास के पीछे पीछे जो केतकी को साथ चलने को कहती थी, तो केतकी कहती है, आप मुझसे काम क्यों कराती हैं? मुझे काम करना नहीं आता, इसलिए उसकी सास का सारा काम केतकी की बनिहारिन करती और उनकी सेवा भी। सोहन की माँ बनिहारी से कहती कि इसको काम सिखाए। बनिहारिन केतकी से प्यार करती थी, इसलिए खुद ही केतकी का सारा काम कर देती। केतकी गंगा के साथ बरामदे में खेलती। सुखीराम जब केतकी को देखने आए तो केतकी की सास पारू ने कहा कि समधी जी, आप अपनी कन्या को घर ले जाइए, जब ये सारा काम सीख लेगी, बड़ी हो जाएगी, तभी हम उसे बुलाएंगे। सुखीराम बेचारा क्या करें, केतकी को भी वो घर ले आया। उसका बेटा अभिमन्यु अभी 2 साल का हो गया था। वह भी टूटी फूटी भाषा में दुर्गा और केतकी बोलने लगा था। दोनों भाई के साथ खेलती और दोनों बहनों की तो बंद हो गई थी, अब छोटी दोनों बहनें स्कूल जाती थी। मानसी सुखी राम से कहती थी, बापू मैं खूब पढ़ूंगी, मुझे दूसरे के घर मत भेजना। सुखी राम हंसते हुए उसे गोद में उठा लेता। मानसी के मन में दुर्गा और केतकी का डर समा गया था कि जो दूसरे के घर जाते हैं उन्हें खाना नहीं मिलता। इधर सुनीता भी 9 साल की हो गई थी और केतकी और दुर्गा अब उसे चिढ़ाने लगी थी कि सुनीति तुझे भी अब बापू दूसरे के घर भेज देंगे। सुनीता की चिंता तो सुखी राम को भी थी और अभिमन्यु भी अब बड़ा हो रहा था। सुखी राम के पास अब केवल 7 बीघा जमीन बची थी। सुखी राम के पास आय का जरिया खेती ही था। कभी आते जाते सुखी राम का सामना श्यामा प्रसाद से हो जाता तो दोनों एक दूसरे का हालचाल पूछ लिया करते थे।
ऐसे एक दिन सुखी राम का सामना श्यामा प्रसाद जमींदार से हो गया। श्यामा प्रसाद कहने लगे, सुखी राम तुम कुछ ज्यादा परेशान लग रहे हो भाई। सुखी राम बोला, हाँ भाई साहब, दो बेटी का विवाह करना है। अब हमारे पास 7 बीघा ही जमीन बची है, एक ही लड़का है। शादी के बाद उसके पास तो ना मात्र की ही जमीन बचेगी। जमींदार साहब बोले, घबराओ मत सुखीराम, हम सब भी हैं, हम तुम्हें मदद करेंगे। समय सबका बदलता है भाई, और तुम्हारा भी बदलेगा। ये कहते हुए श्यामा प्रसाद जीप से आगे बढ़ गए और सुखीराम ने दूसरे गांव में एक लड़का देखा था सुनीता के लिए और उसी से बात करने जा रहे थे। वह गांव था बिहार, वहां हरपुर से 5 किलोमीटर की दूरी पर था। वहां एक मास्टर जी थे जिनका नाम हरि नारायण था। मास्टर जी की पत्नी लक्ष्मी और उनका बेटा था कान्हा जो नटखट था। मास्टर जी एक स्कूल में पढ़ाते थे। वो बहुत ज्यादा संपन्न तो नहीं थे पर गरीब भी नहीं थे। सावला सा कान्हा, घुंघराले बाल और एक होनहार बालक था। उसकी चंचलता सबका मन मोह लेती थी। हरि नारायण अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे। शादी के लिए कई रिश्ते आए थे पर हरि नारायण मना कर देते थे। जब सुखीराम उनके पास पहुँचे तो मास्टर साहब ने पूछा, आपका यहाँ आना कैसे हुआ? तो सुखीराम कहने लगा, मास्टर जी मैं हरपुर गांव का रहने वाला किसान हूँ। मेरी 4 बेटियाँ हैं और एक लड़का, 2 बेटियों की शादी मैंने कर दी है। तीसरी बेटी सुनीता है, उसके लिए मैं आपके बेटे कान्हा का हाथ मांगने आया हूँ। मास्टर साहब बोले, देखो भाई साहब, पहले आप जलपान कीजिए। और फिर मास्टर साहब बोले, भाई साहब शादी तो मैं करूँगा पर मेरा कान्हा थोड़ा नटखट है। अगर आपको पसंद हो तो बताइए। सुखीराम को लगा कि ये घर हमारी सुनीता के लिए उत्तम है और उन्होंने वहाँ पर शादी तय कर दी। निश्चित तिथि आने पर सुखीराम ने सुनीता को वह सारे सामान दिए जो उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को दिए थे। अब उन्हें लगा कि बाद में सुनीता के मन में ये बात ना आ जाए कि पिताजी दोनों बहनों को मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए उन्हें ज्यादा सम्मान दिया और मुझे कम। सुनीता की शादी में भी चौक बर्तन के साथ जेवर पलंग गए। सभी सामान जो एक बेटी को दिया जाता है, इसमें सिर्फ अशर्फी और खेत नहीं दिए थे। शादी में खर्च करने के लिए सुखीराम को पैसा तो चाहिए था, पर उनका देखा हुआ घर श्यामा प्रसाद का ही था। वो फिर 1 बीघा जमीन बेचने श्यामा प्रसाद के पास गए। श्यामा प्रसाद जमींदार सुखीराम से कहने लगा, मैं तो पैसे तुम्हें दे ही दूंगा सुखीराम, और जमीन भी तुम मुझे ही दोगे। सुखीराम, ऐसे अच्छा नहीं लगता। मेरी बेटी नहीं है, जमींदार भी हूँ, पर उसके साथ ही मैं एक इंसान भी हूँ। सुखीराम बोला, पर क्या करें भाई साहब, मेरे पास कोई दूसरा उपाय भी नहीं है। पिताजी बूढ़े हैं, बेटा अभी छोटा है, मैं परिवार को छोड़कर बाहर भी कमाने नहीं जा सकता, यही मेरी मजबूरी है। एक बेटी और है जो सबसे छोटी है, नटखट है, पढ़ती है। उसकी शादी अब मैं 2 साल बाद करूँगा, तब तक वो थोड़ी बड़ी हो जाएगी। मुझे वो बहुत प्यार करती है। श्यामा प्रसाद बोले, एक हाल है मेरे पास इसका, इस साल मैं अपने बड़े लड़के राम की शादी कर रहा हूँ। वो भी जमींदार की बेटी है। सुखी राम, अगर 2 साल बाद मेरे छोटे बेटे श्याम की शादी करूँ तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि श्याम की शादी तुम्हारे यहाँ से होगी। तुम्हारी बेटी जितना पढ़ना चाहेगी मैं उसे पढ़ाऊंगा और मुझे भी 1 बेटी मिल जाएगी। ये कहते हुए श्याम प्रसाद ने रुपए लाकर
सुखीराम को दे दिए। राम और सुनीता की शादी एक ही दिन थी। राम की शादी शानो शौकत से हुई। आलीशान पालकी में राम और उसका छोटा भाई श्याम था। बारात में हाथी, घोड़े, जीप, कई गाड़ियां थी और रश्मि बाई का नाच भी था। श्यामा प्रसाद ने बड़े बेटे की शादी में दिल खोलकर खर्च किया था। सुनीता की शादी में सुखीराम ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उधर कान्हा के पिता हरि नारायण मास्टर साहब ने बहू के लिए कपड़े, गहने, मिठाई, फल सभी कुछ लाए थे। नटखट कान्हा बारात में तो पिताजी के साथ आया था, पर यह ससुराल में साली मानसी से उसकी दोस्ती हो गई। मानसी कहने लगी, कान्हा आए हो तो ठीक है, पर मेरी दीदी को मत ले जाना कान्हा। कान्हा बोला, ना बाबा ना, मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा, जो तुम्हारे पिताजी प्यार से देंगे वो सब ले जाऊंगा। मानसी बोली, मैं अपनी बहन से कैसे मिलूंगी कान्हा? तो वो बोला, पिताजी से कहकर तुम्हें साल में मिला दूंगा। और मानसी बोली, तो ठीक है, रहने दोगे ना कान्हा? तो बोला, हाँ रहने दूंगा, पर साथ में मैं भी रहूंगा। जब वापस जाऊंगा तो उसे साथ लेकर जाऊंगा, क्योंकि अकेले में तुम्हारी बहन रास्ता भूल जाएगी। मानसी बोली, ठीक है, मुझे मंजूर है। पर तुम ये बात भूल तो नहीं जाओगे कान्हा? कान्हा बोला, नहीं, पिताजी की मार पड़ने से पाठ याद हो जाता है। वैसे ही यह भी याद रहेगी। विवाह की सब रस्में करने के बाद सुनीता की विदाई के पल आ गया। बनिहारी सुनीता के साथ भी थी। सुनीता को प्यार से सबने डोली में बिठाया। सुनीता रो रही थी, उसके साथ तीनों बहनें भी और अभिमन्यु भी रो रहा था। मानसी बोली, तू क्यों रो रहा है अभिमन्यु? अभिमन्यु बोला, दीदी तुम सब लोग रो रहे हो, इसलिए मैं भी रो रहा था। सुनीता की विदाई के बाद सुखीराम ने चैन की सांस ली कि अब 2 साल तक वो अपनी बेटी का विवाह नहीं करेगा, तब तक दोनों बच्चे पढ़ेंगे। सुखीराम बच्चों को फिर स्कूल पहुंचाने लगा। मानसी और अभिमन्यु दोनों पढ़ने में होशियार थे। मानसी के नैन नक्श इतनी सुंदर थे कि हर कोई मोहित हो जाता था। सुखीराम को थोड़े दिन ही चैन से बीते होंगे। सुखीराम के जितने खेत थे उसमें साल भर का अनाज का काम चल जाता था। इधर दुर्गा के ससुराल से दुर्गा का बुलावा आया। उसकी उम्र भी अब 16 साल हो गई थी। वो इतनी होशियार तो नहीं थी, पर यह समझने लगी थी कि यह मेरा ससुराल है, यह मेरी सास है, यह मेरे पति हैं। दुर्गा की माँ और दादी यही शिक्षा उसे देती थी कि बड़ों का सम्मान करना, सबको खाना खिलाकर खाना खाना, बड़ों का कहना मानते हुए सबके मन में रहना। 1 महीने बाद दुर्गा की विदाई हो गई। बेटी की विदाई में सुखीराम ने उसके घर वालों के लिए कपड़े, मिठाई, फल, विदाई में जो साज सामान दिया जाते हैं वो सब दिए। मनोहर भी सुंदर सजीला हो गया था। इस बार उसे एहसास था कि वो अपनी दुल्हन की विदाई करने जा रहा था। ससुराल में सालियां भी हैं। विदाई करने जब मनोहर आए तो स्वागत में साले और सालियां भी तैयार थे। इस बार मनोहर को भी ससुराल अच्छा लगा। दूसरे दिन मनोहर और दुर्गा की विदाई हो गई। एक बैलगाड़ी में सामान और दूसरी बैलगाड़ी में वरवधु थे। इस बार ससुराल पहुंचने पर दुर्गा ने सबको पैर छूकर प्रणाम किया। सुबह उठकर नहा धोकर पूजा करना, बड़ों को प्रणाम करते हुए खाना बनाना, यही दुर्गा का प्रतिदिन का काम बन गया था। इधर मानसी अब 6ठी कक्षा में अव्वल आई थी। अभिमन्यु सिर्फ पास ही हुआ था।
इधर श्यामा प्रसाद का लड़का श्याम भी पास ही था। श्याम पढ़ने में तो ठीक था, पर उसकी शरारतें ज्यादा थी। बड़े घर के लड़के लाड प्यार में थोड़ा बिगड़ ही जाते हैं। घर में पिताजी को मालिकाना चलाते देखता तो यह आदत श्याम की भी बन गई थी। वह अपने दोस्तों और अर्दली के साथ मालिकाना अंदाज में पेश आता था। देखते ही देखते 2 साल कब बीत गए पता ही नहीं चला। एक दिन श्यामा प्रसाद और सुखीराम रास्ते में फिर मिल गए। श्यामा प्रसाद बोला, भाई साहब, बच्चे अब थोड़ा बड़े हो गए हैं। शादी करने के बारे में आपका क्या विचार है? सुखीराम बोला, भाई साहब, शादी तो हम आपके यहाँ ही करेंगे। मानसी को हाई स्कूल की परीक्षा पास कर लेने दीजिए, इसके बाद शादी कर देंगे। बच्चों की खुशी में हमारी खुशी है। श्याम प्रसाद बोला, ठीक है, मैं भी उस शुभ घड़ी की प्रतीक्षा करूंगा। श्याम प्रसाद का लड़का श्याम अब कॉलेज में पहुंच गया था। मानसी भी हाई स्कूल की परीक्षा के करीब आ गई थी। लालपुरा हरपुर गांव का ये पहला विवाह होने जा रहा था जो कि बालिग उम्र का था। श्याम को जब सुखी राम श्याम प्रसाद के दरवाजे पर पहुंचे तो वहां बैठक लगी हुई थी। उन्होंने सुखी राम को देखा तो बैठते ही कहा, क्या बात है? श्यामा प्रसाद ने बैठक के लोगों को जाने की इजाजत दे दी। सुखी राम बोला, भाई साहब, अब हमें शादी कर देनी चाहिए। बच्चे भी अब बड़े हो गए हैं। इसके बाद कॉलेज में भी पढ़ेंगे तो आपकी मर्जी से। आपको शादी में अगर आपकी कोई इच्छा हो तो कहें, हम कोशिश करेंगे कि आपकी इच्छा पूरी कर सकूं। श्यामा प्रसाद बोला, सुखीराम, मेरे पास सब कुछ, बस एक बेटी की कमी थी जो तुमने मुझे दे दी। मुझे और क्या चाहिए? श्यामा प्रसाद हंसने लगा। सुखीराम, इस शादी में मैं सब कुछ अपने हिसाब से खर्च करूंगा। आपको कुछ नहीं करना है। 2 कपड़ों में बेटी की विदाई कर दीजिएगा। सुखीराम ने हाँ में गर्दन हिला दी। मानसी उनकी छोटी और सबसे प्यारी बेटी थी। उसकी शादी में सुखीराम खाली हाथ कैसे विदा कर देते? सुखीराम ने एक दुकानदार से 5,000 रुपए उधार ले लिए थे। दुकानदार ने कहा था कि 1 साल में अगर उसका कर्जा नहीं चुकाया तो वह सुखी राम की 1 बीघा जमीन ले लेगा। सुखी राम ने इसके लिए हाँ कर दी। सुखी राम की बेटी की शादी तय हो गई थी। सुखी राम ने अब अपनी बेटी और दामादों को भी छोटी बेटी की शादी के लिए बुला लिया। पूरे गांव को भी निमंत्रण दे दिया। मानसी को चौक के बर्तन के साथ गाय, 10 अशर्फी, पायल, करधनी, हर झुमके सब सुखीराम ने मानसी को दिए। दामाद श्याम को कपड़े, घड़ी, अंगूठी, चैन दिए। कपड़े में लड़की और जमाई के अलावा उसके माता पिता और परिवार वालों को भी कपड़े दिए। पूरी शान शौकत के साथ श्यामा प्रसाद सुखी राम के दरवाजे पर बारात लाए। सुखी राम ने भी अपनी हैसियत से बढ़कर बारात की खातिरदारी की। श्यामा प्रसाद ने भी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी थी। 5-6 गांव को भोजन के कारण सब लोग बहुत खुश थे। गरीबी और अमीरी को फर्क को मिटाते हुए श्यामा प्रसाद ने एक साधारण घर की लड़की को बहू बनाया था। दूसरे दिन धूमधाम से मानसी की विदाई हुई। सारे सामान के साथ सुखीराम ने बेटी को विदा किया। ससुराल पहुंचने के बाद सबने बहुत ही प्रेम से बहू का स्वागत किया। कुछ नई बहू का स्वागत आलोचनाओं से भी किया गया। मानसी बालिग थी, वो इन सब बातों पर ध्यान नहीं दे रही थी। वो खुश रहती और परिवार वालों को भी खुश रखने की कोशिश करती।
मानसी की जेठानी जमींदार परिवार की बेटी थी। उसकी शान शौकत के मुकाबले मानसी कुछ भी नहीं थी। वो हर समय मानसी को नीचा दिखाती और भाभी का साथ उसका पति श्याम देता था। खुश रहने और रखने में श्यामा प्रसाद और उसकी पत्नी बहुत ही प्यार और सम्मान देते थे मानसी को। तहलका की खबर उस दिन हो गई जिस दिन मानसी की परीक्षा का परिणाम आया। मानसी पूरे राज्य में प्रथम स्थान लाई थी। इसके विपरीत श्याम का परीक्षा का परिणाम सिर्फ पास था। उसकी शान के खिलाफ पत्नी का रिजल्ट था। उसके कॉलेज के दोस्त उसकी कमजोरी का फायदा उठाते हुए श्याम को पीने पिलाने की आदत लगा दी थी। ये बात श्यामा प्रसाद को पता चली तो उसी कॉलेज में मानसी का दाखिला करा दिया। मानसी शुरू से ही पढ़ने में तेज तो थी, लेकिन बाहरी दुनिया और दोस्तों से उसका कोई मतलब नहीं था। दोनों कॉलेज साथ जाते और साथ आते। मानसी का सारा दिन पढ़ाई में बीतता और श्याम का सारा दिन दोस्तों की महफिल में और पीने पिलाने में। मानसी ने कई बार समझाने की कोशिश की, पर श्याम मानसी की बात नहीं मानता था। मानसी ने श्याम के बारे में श्यामा प्रसाद को बताया, पर श्याम उनके हाथ से बाहर निकल चुका था। श्यामा प्रसाद ने मानसी से कहा, बेटी मेरे घर की प्रतिष्ठा और औलाद दोनों को तुम रास्ते पर ला सकती हो। मानसी ने कहा, पिताजी मैं कोशिश करूंगी, आगे ईश्वर की मर्जी। मानसी श्याम को एक दोस्त बनकर उसे समझाती, पर उसकी गलत आदतों को छुड़ाने में मानसी हमेशा असफल रही। श्याम अपने दोस्तों के माया जाल में इतना उलझ चुका था कि मानसी की बात से उसे दुख होता। मानसी श्याम के साथ आया जाया करती थी और उसे पर नजर भी रखती थी। फिर भी श्याम नजर बचाकर 2-3 पैग पी लेता था। उसे देखकर श्याम प्रसाद अब चिंतित रहने लगे थे। कॉलेज में भी मानसी अच्छे नंबरों से पास की और श्याम फेल हो गया था। परिवार के कुछ लोग मानसी को ताना मारते, बहुरिया का ज्यादा पढ़ना सही नहीं है, कौन सी उसने नौकरी करनी है, परिवार संभालना है, खाना बनाना है, बड़ों की सेवा करना है, यही तो बहू का काम है। एक दिन मानसी ने अपने ससुर से पूछा तो उसके ससुर बोले, हाँ मानसी बेटा कहो। तो मानसी बोली, पिताजी मैं एक शिक्षक बनना चाहती हूँ। अगर आप हाँ करें तभी मैं बन पाऊंगी। श्यामा प्रसाद बोला, बेटी कई और भी प्रतियोगिता परीक्षा है, तुमने उसे छोड़कर शिक्षक बनना क्यों पसंद किया? मानसी बोली, पिताजी मैं शिक्षिका इसलिए बनना चाहती हूँ कि जब तक अपने सेवाकाल में मैं रहूँगी तब तक बहुत सारे बच्चों का भविष्य सुधार पाऊंगी। इस क्षेत्र में मैं देश और समाज का काम कर सकूंगी। श्यामा प्रसाद बोले, बेटी अच्छे विचार हैं, आगे बढ़ो। मानसी ने अब बीएड में दाखिला ले लिया और वो जो प्रतिदिन क्लास जाने लगी। मानसी को कॉलेज जाने के बाद कभी श्याम प्रसाद को श्याम दिख जाता तो वो श्याम को कहते, देख श्याम अपनी पत्नी को देखो, उसकी लगन और मेहनत को देखो, वो कर्म के क्षेत्र में भी आगे है। तुम उसका साथ छोड़कर मटर गस्ती करते हो और पीने पिलाने में रहते हो। पिताजी की बातों से भी श्याम को चिढ़ होती थी और पढ़ लिया, नौकरी भी कर लिया तो कितने दिन करूंगा पिताजी, मैं अपने दोस्तों का साथ नहीं छोड़ सकता। श्याम अपने कान में तेल डालकर सो गया और मानसी ने बीएड की परीक्षा पास कर ली थी। अब मानसी को नौकरी भी मिल गई जो कि हैदराबाद में थी। मानसी को नौकरी पर जाना जरूरी था। मानसी नौकरी करने चली जाएगी तो श्याम सोचने लगा, मैं आराम से सोता रहूंगा, कोई बोलने वाला भी तो नहीं होगा।
ये श्याम के मन में ख्याल आने लगे। श्याम को पहले की अपेक्षा में दोस्तों की संख्या बहुत बढ़ गई थी। राम भी अपने जीवन में खुश था। हाँ, उसकी पत्नी थोड़ी नाक चढ़ी अवश्य थी। किसी की अच्छी आदत उसे पसंद नहीं थी। मरते जीते किसी तरह राम का साथ देती थी। राम की नौकरी एक बैंक में थी। घर से ही आना जाना होता था। मानसी जब हैदराबाद चली गई, तो कुछ दिन बाद श्यामा प्रसाद ने श्याम को हैदराबाद जाने के लिए कहा। श्याम जाने के लिए तैयार नहीं था। श्यामा प्रसाद ने कहा कि श्याम वहां बहु अकेली रहेगी तो समाज में सब हमारा मजाक बनाएंगे। बेटा, तेरा जाना जरूरी है। वहां तेरी दुकान खुलवा दूंगा और वहां जाकर तुम अपनी दुकान देखना। श्याम पिताजी की बात को काट नहीं सका और वह भी हैदराबाद चला गया और अपने हार्डवेयर की दुकान पर बैठने लगा। मन तो उसका नहीं लगता था, पर पिताजी की बात भी माननी थी। मानसी सुबह नाश्ता बनाकर दो टिफिन पैक करती, एक तो वह अपने साथ ले जाती, दूसरा श्याम को देकर जाती। दोस्तों का साथ छूटने से श्याम का पीना थोड़ा कम हो गया था। वह अब थोड़ा समय दुकान पर बैठता, फिर सेल्समैन के ऊपर दुकान छोड़कर घर चला जाता। अब उसे मानसी का बात, जो मानसी समझाती थी, बुरी नहीं लगती। वो चुपचाप सुनता, पर कुछ करता नहीं था, ना ही कुछ कहता। पहले से श्याम थोड़ा बदल गया था। फिर भी मानसी ने अपना प्रयास जारी रखा। श्याम की आदतों को सुधारने के लिए मानसी ने श्याम को दाम, दंड, भेद की नीति का सबका पालन किया। अब श्याम को भी समझ में आ गया कि पिताजी ने दुकान इसलिए करवाई है कि मैं भी कामकाजी बनूं और अपने कर्तव्यों को समझूं। श्याम जब प्रतिदिन दुकान पर बैठने लगा तो आमदनी भी बढ़ने लगी। मानसी के मन में भी खुशी कुछ हद तक लौट आई थी। उसने अपने प्यार में कहीं कोई कमी नहीं रखी और सत्य की जीत हमेशा होती है। प्यार बुरे इंसान को भी अच्छा इंसान बना देता है। यही मानसी के साथ भी हुआ। श्याम के जीवन में भी मानसी के लिए प्रेम का प्याला छलक पड़ा। एक समय था कि वो मानसी को देखना भी पसंद नहीं करता था। वहीं श्याम मानसी के प्रेम में दीवाना हो गया था। पीना तो उसका कब का छूट गया था। दुकान को देखते हुए घर के कामकाज में भी मानसी का हाथ बटाता। इधर मानसी भी समाज सुधार का काम करने लगी। वो नारी के लिए क्या गलत है, क्या सही है, बताने लगी। मानसी के विचार से जन समुदाय प्रभावित हुआ। मानसी ने बाल विवाह के विरोध में जन समुदाय में सभा रख करके अपने विचार रखने शुरू किए। कम उम्र में बाल विवाह तो हो जाता है, खेलने की उम्र में एक बच्ची मानसिक यातना से पीड़ित होती है। मान सम्मान तो दूर की बात है। अपने बड़ों से प्यार भी उसे नहीं मिलता। अपने घर परिवार से दूर रहकर उसे जो मानसिक यातना सहनी पड़ती है, पर वो कुछ बोल नहीं सकती। इन सब बातों को मानसी ने समाज के सामने रखा। उसकी बातों से प्रभावित होकर श्याम भी बदल गया था। इसी बीच मानसी राम की बेटी के जन्मदिन में अपने गांव आई तो अपने पिता सुखीराम से भी वह मिली। सुखीराम को जब पता चला कि अपनी बेटी मानसी शिक्षिका होने के साथ साथ समाज सुधारक भी बन गई है, तो उसका सीना गर्व से ऊंचा हो गया। अपनी चारों बेटियों के विवाह उसने किए थे, जिसमें से तीन बेटियों ने क्या क्या परेशानी नहीं झेली। सब बेटियों में से मानसी एक सुखी निकली थी। मानसी अपने ससुर श्यामा प्रसाद से कहने लगी, पिताजी हमारे घर जो लक्ष्मी आई है उसे भी खूब पढ़ाएंगे और उसके बाद ही उसकी शादी करेंगे।
बाल विवाह नहीं करेंगे। उसका श्यामा प्रसाद ने मानसी का समर्थन किया। मानसी के विचारों को लोगों ने मनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे बाल विवाह की प्रथा बंद होनी शुरू हो गई। मानसी ने भी अपने जीवन में जो दुख झेला था वो उसने अपने काबिलियत और सूझबूझ से दूर किया। मानसी समाज में बेटियों को पढ़ाने पर जोर देना शुरू किया। उदाहरण के रूप में वो अपनी दीदी के जीवन को समाज के सामने लाई। उसे समय नारी शिक्षा केवल नाम मात्र को थी। वही लड़कियां पढ़ती थी जिसके परिवार संपन्न थे और लोग पर्दा प्रथा के तो विरोधी थे, लेकिन नारी शिक्षा के समर्थक बनने लगे थे। उधर मानसी की बहन केतकी की सास पारो लालची तो थी ही, और छोटी सी बहू को बच्चा नहीं समझती थी, बड़ी और समझदार बहू के रूप में देखती थी। घर का सारा काम खुद केतकी करे और सबको भोजन कराकर खुद खाए। केतकी को जल्दी जल्दी भूख लगती थी। सोहन की बहन गंगा माँ से छुपाकर खाना खिलाती थी। एक दिन गंगा खाना निकाल रही थी तो माँ ने पूछा, गंगा अभी किसके लिए खाना निकाल रही है? तो गंगा कहने लगी। गंगा ने सीधे मन से कहा कि भाभी के लिए माँ, उसे भूख लगी है। पारो ने गंगा की पिटाई कर दी और केतकी को भी खरी खोटी सुनाई। उस दिन के बाद केतकी खाना ही भूल गई। जब सब खा लेते तो बच्चा खुचा खाती और कभी कभी भूखे भी रहना पड़ता। वो ज्यादा पढ़ भी नहीं पाई थी, मात्र 3 क्लास तक ही पढ़ी थी। उसके बाद ही उसकी शादी हो गई थी। सोहन भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। अब उसके दोस्तों ने बताया कि केतकी उसकी पत्नी है। उसे भी केतकी के हालात पर अब तरस आ गया। केतकी के पिताजी के दिए हुए बनिहारिन को पारो कब की निकाल चुकी थी। माँ से छुपाकर कभी कभी सोहन केतकी को कुछ लाकर खिला देता। वह कमाता तो नहीं था जो सामान पिताजी घर में लाते थे, उसमें से केतकी को पारो जो देती थी वही मिलता था। एक दिन सोहन ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी मैं कमाना चाहता हूँ। पिताजी बोले, अच्छा, पर क्या करेगा, ढंग का काम नहीं मिलेगा तुझे। तू ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, मात्र 9 क्लास ही पढ़ा है। एक ही काम मिलेगा बेटा, मजदूरी का। सोहन बोला, ठीक है पिताजी, मैं वही करूँगा। सोहन एक मजदूर बन गया। वो जो भी कमा कर लाता पारो उससे छीन लेती। चाहकर भी सोहन केतकी को कुछ नहीं दे पाता था। केतकी का पहनावा भी बहुत साधारण था। वहीं पर पारो अच्छी साड़ी और जेवर पहनती थी और पान खाती रहती थी। गंगा की शादी एक खाते पीते परिवार को देखकर कर दी थी। एक दिन केतकी को जलेबी खाने की याद आई जो बचपन में पिताजी लाकर सब बहनों और भाइयों को खिलाते थे। केतकी बैठकर अपने आंगन में रो रही थी। उसी समय सोहन घर में आ गया था। केतकी को रोता देखकर उसने पूछा केतकी से कि क्या बात है। तो केतकी ने बता दी कि उसे जलेबी खाने का मन है। अगले दिन सोहन ने केतकी के लिए 4 आने की जलेबी ली और छुपाकर घर ले आया। पर सोहन से पारो ने जब पैसे लिए तो उसमें 4 आने कम थे। पारो ने पूछा, सोहन 4 आने कहाँ है? घर से जाने में देर हो गई, सोहन कहने लगा, इसलिए मलिक ने 4 आने कम दिए। पारो चुप हो गई। थोड़ी देर बाद सोहन और केतकी जलेबी खा रहे थे। उसी समय पारो केतकी को बुलाने आ गई और कहा, बैठी हो? बर्तन नहीं धोना क्या? और इसी बीच पारो की नजर जलेबी पर पड़ गई। उसने सोहन को खूब डांटा और केतकी की पिटाई की। शक की कोई दवा नहीं, पारो केतकी पर
अब कड़ी नजर रखने लगी। सोहन का भी पीछा करती कि वो क्या कर रहा है। इसी बीच केतकी एक बच्चे की माँ बन गई। सोहन मजूरी करते हुए टाइफाइड का शिकार हो गया। कम उम्र में शादी, मेहनत और घर की अशांति वह झेल नहीं पाया। उस समय गांव में डॉक्टर भी नहीं था, एक वैद्य जी थे। उनकी दवा चल रही थी लेकिन सोहन को कोई फायदा नहीं हुआ। एक महीना से ज्यादा बुखार हो गया था, वह बिस्तर पकड़ लिया था। आखिर एक रात सोहन केतकी और बच्चों को छोड़कर संसार से विदा हो गया। पारो ने सारा दोष केतकी के माथे मढ़ दिया कि तू डायन निकली, मेरे बेटे को खो गई। सुखी राम जो सोहन की खबर सुनकर बेटी केतकी और नाती माधव को देखकर बड़े दुखी हुए। उन्होंने राधे श्याम और पारो से कहा, बेटी मेरी बहुत दुखी है, कुछ दिन के लिए घर में उसे ले जाना चाहता हूँ। तो राधे श्याम के बोलने से पहले ही पारो बोल पड़ी, थोड़े दिन के लिए क्यों, हमेशा के लिए ले जाइए। यह मेरे बेटे को तो खा गई। भारी मन से बेचारे सुखीराम केतकी और अपने नाती माधव को अपने घर ले आए। केतकी की मुस्कान तो जैसे गायब हो चुकी थी। वह रोती रहती तो उसकी माँ दिलासा देती, रो मत बेटी केतकी, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अभिमन्यु अभी 10 वर्ष का हो चुका था। एक दिन मानसी ने पिताजी को पत्र लिखा। पिताजी, दीदी तो पढ़ी नहीं है, उसे कोई काम नहीं मिल सकता, उसे सिलाई सिखा दीजिए, उससे उसको कुछ आम आमदनी हो जाएगी और उनका मन भी लगा रहेगा। सुखीराम ने केतकी से पूछा, बेटी सिलाई सीखेगी? केतकी ने भविष्य को देखते हुए हाँ में गर्दन हिला दी। सुखीराम ने जमुना चाचा के पास केतकी को सिलाई सीखने के लिए भेजना शुरू कर दिया। गिरिजा देवी अपने नाती माधव की देखभाल करती। बाल विवाह की पीड़ा सुखीराम और केतकी दोनों ही झेल रहे थे। सिलाई सीखने के बाद केतकी पिता के घर में रहकर कपड़ा सिलने लगी। उसे उतना पैसा तो नहीं मिलता था जिससे उसका गुजारा हो जाए। केतकी अपने पिता के ऊपर बोझ बनना नहीं चाहती थी। उसके नजर में एक ही चेहरा आता और वह चेहरा था मानसी का। उसने पिताजी से कहकर मानसी के पास पत्र लिखवाया, जिसमें उसने कहा कि वो एक बार आकर उससे मिल ले। दीदी के आग्रह पर मानसी इनकार नहीं कर सकी और वह कुछ दिन की छुट्टी लेकर घर आ गई। उसने अपने ससुर श्यामा प्रसाद से कहा, पिताजी मैं एक सप्ताह के लिए अपने पिताजी के घर जाना चाहती हूँ। शादी के इतने साल हो जाने के बाद मानसी ने घर जाने के लिए कभी नहीं कहा था। श्यामा प्रसाद भी उसे कभी नहीं भेजे थे। आज पहली बार उसने मुंह खोलकर कहा तो भला श्यामा प्रसाद कैसे इनकार करते। श्यामा प्रसाद ने अपनी हैसियत के अनुसार सुखी राम के घर वालों के लिए कपड़े, मिठाई और फल के साथ साथ ड्राइवर के साथ मानसी को हरपुर पहुंचा दिए। वहां पहुंचने के बाद मानसी अपने माँ पिताजी से मिली। दोनों बहनें गले मिलकर मन भर के रोई। माँ ने खाना बनाया तो मानसी और केतकी एक साथ बैठकर खाना खाई। आज बहुत दिनों के बाद सुखीराम ने बच्चियों की पसंद की जलेबी घर में लेकर आए थे। मानसी ने प्रेम से जलेबी खाई पर केतकी ने हाथ में लेकर वापस रख दी। उसे सोहन की याद आ गई। इसी जलेबी के चलते तो उसने डांट और मार खाई थी। मानसी बोली, दीदी तुम्हें तो जलेबी बहुत पसंद है, तुमने हाथ में लेकर क्यों रख दी? केतकी ने रोते हुए आप बीती सुनाई। मानसी को ये सुनकर बड़ा दुख हुआ। केतकी बोली, मानसी मैंने ही तुम्हें बुलवाया है। मानसी बोली, क्यों दीदी? केतकी बोली, मानसी
मैं पिताजी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती। मैं सिलाई सीख ली हूँ, पर उतने में गांव में रहकर माधव की पढ़ाई और घर का खर्चा निकल पाना संभव नहीं है। पिताजी अब बूढ़े हो गए हैं, भाई भी पढ़ रहा है। मैं जब से यहाँ आई हूँ, ससुराल वाले एक बार भी मुझे देखने नहीं आए। बहन, तुम ही मेरा कोई रास्ता निकाल दो जहाँ मैं चैन से रह सकूँ। अगले दिन मानसी ड्राइवर के साथ शहर गई। वहाँ उसने किराए का एक ठीक ठाक मकान लिया, जिनका भाड़ा 5 रुपए था। वहाँ उसने घर में राशन और एक सिलाई मशीन और बगल में एक छोटा सा दुकान। ये सब करने के बाद मानसी वापस घर आई और इधर उसके भाई अभिमन्यु की 10वीं की परीक्षा उसने दे दी थी। उसके बाद उसे भी बाहर ही जाना था। मानसी बोली, पिताजी, मैं शहर में एक घर किराए पर ले ली हूँ। उसमें दीदी और अभिमन्यु और माधव रहेंगे। दीदी अपना दुकान में सिलाई करेगी और अभिमन्यु माधव पढ़ने जाया करेंगे। जब सब ठीक हो जाएगा तो ये लोग अपना खर्च खुद करेंगे। जब तक इनका काम सही से नहीं चलता, तब तक मैं मनी ऑर्डर इनको भेज दिया करूंगी। ये बात मेरे, आपके और दीदी के बीच रहेगी। दूसरे दिन मानसी दीदी केतकी, अभिमन्यु और माधव को गाड़ी से अपने साथ शहर नए मकान में छोड़ आई। सिलाई मशीन को देखकर केतकी की आंखों में आंसू आ गए। अभी तक वह हाथ से ही कपड़ों की सिलाई करती थी। केतकी रोते हुए बहन से कहने लगी, बहन, मुझ बदनसीब बहन का दर्द तूने ही समझा। 2 दिन बाद मानसी की छुट्टी खत्म होने वाली थी। सुखीराम ने अपनी हैसियत के मुताबिक मानसी के घर वालों के कपड़े, फल और मिठाई के साथ मानसी को उनके ससुराल पहुंचा दिया। सुखीराम भी बीच बीच में शहर जाकर बच्चों को देख आया करते थे। घर से चावल, दाल, आटा पहुंचा दिया करते थे। मानसी की सहायता से केतकी की दुकान भी अच्छी चलने लगी। अभिमन्यु भी 10वीं की परीक्षा में अव्वल आया। सुखीराम बाल विवाह में धोखा खाने के बाद, अभिमन्यु की शादी पढ़ाई के बाद, कोई काम धंधा लग जाने के बाद ही करने का मन बनाया था। केतकी दुकान में सिलाई का काम करती और कुछ सामान भी उसने बिक्री के लिए रख लिया था। माँ के घर रहने के बाद उसने पर्दा प्रथा को त्याग ही दिया था। किसी तरह साल बीते, केतकी इतना कमाने लगी कि उसे अब मानसी से लेना अच्छा नहीं लगता था। उसने पिताजी से खत में लिखवाया कि मानसी को संदेश भिजवाए कि बहन, अब पैसा मत भेजना, अब मैं सक्षम हो गई हूँ। मानसी ने भी पैसा भेजना बंद कर दिया। केतकी अपना और अपने बच्चों का खर्चा खूब चलाने लगी। सुखीराम को खुशी हुई कि बेटी अपने पैरों पर खड़ी हो गई। इधर पारो ने जब सुना कि केतकी की दुकान है, तो उसके मन में फिर लालच समा गया। अब वह बहू को अपने सुखीराम के पास गई। पारो कहने लगी, भाई साहब, मैं बहू और पोते को ले जाना चाहती हूँ। सुखीराम बोला, जाने का निर्णय तो बहन जी केतकी का होगा। वह जाना चाहेगी तो जा सकती है, मैं विदाई कर दूंगा। पारो केतकी के पास शहर गई। पारो आंखों में आंसू भरकर बोली, बेटी घर चल। पारो की बात सुनकर केतकी के सारे दर्द आंखों के सामने आ गए। केतकी बोली, माँ, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। माधव पढ़ रहा है, मैं अपना और माधव का खर्च सिलाई से निकाल लेती हूँ। आप आएंगे तो आपके लिए भी ये द्वार खुला है, जितना दिन आप चाहे आप रहे। आपने हमेशा के लिए पिताजी के साथ मुझे भेज दिया था, अब वह मेरा घर नहीं है। पारो बड़े उदास मन से वापस गांव लौट आई।
केतकी का भाड़े वाला घर से एक अपना घर भी हो गया। उस इलाके में केतकी की दुकान की भी एक पहचान बन गई थी। अभिमन्यु भी पढ़ने के बाद नौकरी लग गया था। सुखीराम ने एक पढ़ी लिखी लड़की से अभिमन्यु की शादी तय कर दी। सुखीराम के बेटे की शादी में सब बेटियों को बुलाया, अच्छी तरह से विवाह संपन्न किया। सब बहनें केतकी को देखकर खुश हुई। सब बेटियों को सुखीराम साज सामान के साथ साथ ससुराल विदा किया। मानसी गरीब और लाचार महिलाओं के लिए स्वयं रोजगार नामक संस्था खोली, जो गरीब और असहाय महिलाओं को संस्था के माध्यम से जीविका का एक साधन बना। बाल विवाह प्रथा बंद हो गई। आज भी आदिवासी समाज में कुछ जनजातीय हैं, जहां पर बाल विवाह प्रथा आज भी चलती है, पर वह देश और समाज से छुपाकर। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।